हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपके साथ में मेदू वड़ा की एक परफेक्ट सी रेसिपी शेयर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने उड़द की दाल भिगो ली थी 4 से 5 घंटे। उड़द की दाल भिगोनी है बिना स्किन वाली, इसमें से सारा पानी हटा लेंगे। तो जितना रिक्वायर्ड है हम पानी बाद में यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो है ना पीसने के बाद में पानी छोड़ेगी, इसलिए हम इसका पानी हटा लेंगे। और यहाँ पर सांभर के लिए मैंने लिया है तूर दाल, जिसमें हम डालेंगे कुछ कटी हुई सब्ज़ियाँ, जैसे कि टमाटर, प्याज, ये सब काट कर डाल देना है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं 2 टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, ये सब कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कद्दू या फिर कोई और सब्ज़ी जो भी आपको पसंद है आप वो सारी इसमें ऐड अप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा सांभर बना रही हूँ, क्योंकि ये सब प्लेन वाला सांभर मुझे बहुत ही यम्मी लगता है। इसमें बस टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और इमली डालना होता है। तो एकदम सिंपल सा ये सांभर, एक बार आप ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप सिंपली इसे पी भी लोगे, इतना ज़्यादा ये डिलीशियस लगता है। तो अब इसके अंदर मैंने डाला है जो काटा हुआ था हमारा प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, साथ ही इसमें इमली डालना है। सांभर मसाला डाला है मैंने 2 चम्मच, हल्दी पाउडर डालना है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर कम है तो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। पानी डालेंगे और अच्छे से इसकी 3-4 विसल लगा लेंगे, जिससे कि दाल हमारी बहुत अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है नारियल, ये कच्चा वाला नारियल है, मैंने फ्रीज़र में रखा था जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था लास्ट टाइम यूज़ करने के बाद में। तो इस तरह से अगर आप नारियल रखोगे ना वो लंबे टाइम तक टिका रहेगा। तो यहाँ पर अब पानी डालकर मैंने नारियल साइड में रख दिया है। उड़द की दाल हम पीस लेंगे, इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट क्या होता है दाल पीसने के बाद में ये पानी छोड़ देती है, इसलिए यहाँ पर मैंने अभी बिना पानी के ही पीस लिया है। अगर पीस पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो 1-2 टेबल स्पून के करीब आप पानी डालकर इसे आराम से पीस सकते हो। इसी तरह से सारी उड़द की दाल हम पीस लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, एकदम हल्का बनने तक इसे फेंटना है। आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो बैटर है एकदम हल्का सा हो जाए। जितना हल्का बैटर होगा उतने फ्लफी हमारे मेदू वड़ा बनकर रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने हाथ से ही इसकी मसाज की है, तो आप इस तरह से हाथ से कर लो या फिर यहाँ पर बीटर का यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 छोटा चम्मच के करीब डाला है। साथ ही जीरा डालेंगे, यहाँ पर बारीक तोड़ा हुआ मैंने मतलब कट कर लिया था करी लीव्स, वो डाला है। साथ ही इसमें हरी मिर्च बारीक कट की डाल रही हूँ मैं। इन सबसे जो है ना मेदू वड़ा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया और यहाँ पर चावल का आटा फॉर श्योर डालेंगे, जिससे कि हमारे मेदू वड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। 1 चम्मच चावल का आटा डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दाल जो है ना जैसे रखेंगे तो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी पीसने के बाद में, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी बिना यूज़ किए के ही इसे पीसा था। तो इसे रख लेंगे साइड में और चटनी के लिए यहाँ पर नारियल का जो है ना स्किन हटा लेना है पीछे का। इस तरह से अगर फ्रीज़र में नारियल रखोगे, जैसे आधा नारियल यूज़ हो गया है और आधा बच गया है, तो इस तरह से आप फ्रीज़र में रख सकते हो, ये लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा। अब यहाँ पर हम इसका स्किन हटा लेंगे और इसे ग्राइंड करने के लिए मिक्सी के पॉट में डाल लेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। नारियल की चटनी मेदू वड़ा के साथ में बहुत ही यम्मी लगती है। आप चाहे तो पीनट की भी बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है वो रेसिपी। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता, साथ ही धनिया पत्ता और जीरा। बस इसको पीस लेना है पानी की मदद से, एकदम अच्छा सा फाइन, जितना पतला आपको चटनी चाहिए उस हिसाब से डाल लेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर तड़के के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच तेल। तड़का पैन में तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे राई, करी पत्ता, सूखी हुई लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तड़का बस डाल देना है हमने प्रिपेयर की हुई चटनी में। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और बढ़िया सी झटपट बनकर रेडी है हमारी नारियल की चटनी, जिसे आप इडली, डोसा किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हो। इसे रख लेंगे साइड में और अब हमारा सांभर चेक कर लेंगे। तो कुकर की 4 विसल हो चुकी है, इसे मैं खोल कर दिखा देती हूँ। एकदम अच्छे से पक जाएगी सारी सब्जियां, जिससे कि सांभर बहुत ही मतलब सिल्की सा सूप टाइप बन जाएगा। अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे इसे। पानी डाल लेना है जितना चाहिए उस हिसाब से और इसे बॉईल होने के लिए रख लेंगे गैस पे। तड़का छोड़ने से पहले हम इसे पक्का बॉईल करेंगे, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने हाथ अच्छी तरह से गीले कर लिए हैं, जिससे कि बैटर मेरे हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बॉल साइज़ बनाना है और फिर इसे थोड़ा सा फ्लैट करके बीच में होल लगा लेंगे अपने थंब की और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से, और इसे हॉट ऑयल में
डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसी तरह से सारे डाल लेने हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम रखी है मैंने स्टार्टिंग में, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे जिससे कि अंदर तक पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज़ वाला मेदू वड़ा बनाया है, आप चाहे तो रेस्टोरेंट में जैसे बनता है वैसे भी बना सकते हो। तो अब मैंने लो फ्लेम करके उसे पकने के लिए रख लिया है। सांभर अच्छे से बॉयल हो रहा है, अब सांभर हम साइड में रखेंगे। इसमें डालेंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है छोटे 2 चम्मच ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे सरसों दाना। बेसिक सा तड़का है पर सांभर में तड़के का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें डालेंगे हम करी लीव्स, साथ ही सूखी हुई लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोनों साइड से पका लेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हींग। हींग जो है कोई भी दाल पचाने में हेल्प करता है, इसलिए यूजुअली दाल के तड़के में हमने हींग का यूज़ करना चाहिए। अब ये तड़का हम डालेंगे हमारे सांभर पे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और धनिया पत्ता छोड़कर बस सांभर के ऊपर डाल देना है ये तड़का। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता अराउंड 2 टेबल स्पून मैंने लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बढ़िया सा सांभर बनकर रेडी है। एक बार ये सांभर की रेसिपी ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। तो आज का साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो है सांभर, कोकोनट वाली चटनी और मेदू वड़ा। यहाँ पर मैं सांभर और चटनी सर्व कर देती हूँ प्लेट में और मेदू वड़ा ऑलरेडी पक रहा है हमारा। और आप देख सकते हो सांभर किस तरह से बना है, एकदम टेस्टी। यहाँ पर मेदू वड़ा पक रहे हैं, तो रेसिपी पसंद आ रही है तो फटाक से लाइक करना है। और मेदू वड़ा अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब इसे हटा लेंगे और इसे हम हमारे सांभर और चटनी के साथ में सर्व करेंगे, या फिर जैसे भी आपको पसंद है वैसे। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।